Sí, cuenta se lo que. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ज्ञेयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अवध्येषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 चैप्टर 16, चैप्टर की नाम जम्बो द्वीप का वर्णन। ताबत उभयोर ओपी रोधसी या मृत्तिका ततरसेन अनुविद्धमाना। मैं इंग्लिश में देखता हूँ। बाबर्क सम्मोग विपाकेन सदामरो लोकाभरणम जम्बो नदम नाम सुवर्णम भवति जदुह बाब विबुधादय सह जुबातिभिर् मुकुट कटक कोटि सूत्रादि आभरण रूपेण खोलु धारयन्ति। ताबत उभयरपि रोधसीर् या मृत्तिका तद् रसिनानुविद्धमाना व्यवर्क सम्मोग विपाकेन सदामरो लभाभरणम जम्बुनादम नाम सुवर्णम भवति जदुह बाब विबोधानय विबोधादय सह जुवतिभिर् मुकुट कटक कृति सूत्रादि आभरणम रूपेण खोलु धारयन्ति। और टू वर्ड मीनिंग तावत सर्वथा उभयपि दोनों का रोधसी तटो का या जो मित्तिका के चोर ततो रसेन नदी में बहने वाले जम्बू फलों की रस से अनुविद्धमाना संपिक्त होकर वायु और संयोग विपाके न वायु तथा धूप को रासायनिक क्रिया की फलस्वरूप सदा सदैव अमर लोक को आभरणम जो स्वर्गलोक में निवास करने वाले देवताओं के आभूषणों के लिए प्रयुक्ति होता है जम्बुनादम नामो जम्बुनाद नामक सुवर्णम
शरण भवती बन जाते हैं। यात जो ऊ हाव निस्संदेह विबुध आदय देवता आदि सह सात युवनी युवती भी अपनी युवा पत्नियों के मुकुट मुकुट कटक चुरिया कोटि कोटि सूत्र कर धन कर धनी आदि इत्यादि आवरण सभी प्रकार की आभूषण के रूपे न रूप में खोलू निश्चित ही धारयन्ति धारण करते हैं। गिव दिस बुक टू आदि पुरुष बाबू। ट्रांसलेशन, जम्बू नदी की दोनों तट का कीचड़ जम्बू फॉल की बहुत बहते हुए रस से सिक्त होकर और फिर वायु तथा सूर्य प्रकाश के कारण सुखकर जम्बू नद नामक स्वर्ण की प्रचुर मात्रा उत्पन्न करता है। स्वर्ण की निवासी सॉरी सर की निवासी इस स्वर्ण का उपयोग विविध आभूषण के लिए करते हैं। फलतः स्वर्गलोक की सभी निवासी एवं उनकी तरुण पत्नियां स्वर्ण की मुकुटों चूड़िया तथा कर धनियों से आभूषित रहती है। इस प्रकार वे सब जीवन का आनंद लेते हैं। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। जम्बू नदी की दोनों तटों का कीचड़ जामुन फल के बहते हुए रस से सिक्त होकर और फिर वायु तथा सूर्य प्रकाश के कारण सुखकर जम्बू नद नामक स्वर्ण की प्रचुर मात्रा उत्पन्न करते हैं। स्वर्ग के निवासी इस स्वर्ण का उपयोग विविध आभूषण के लिए करते हैं। फलतः स्वर्गलोक के सभी निवासी एवं उनकी तरुण पत्नियां स्वर्ण के मुकुटों चूड़ियों तथा कर धनियों से आविष्ट रहते हैं। इस प्रकार वे सब जीवन का आनंद लेते हैं। तात्पर्य, श्री भगवान की व्यवस्था के फलस्वरूप कुछ लोगों को नदियों के तट पर शरण उत्पन्न होते हैं। इस पृथ्वी के वे बेचारे निवासी अपने अल्प ज्ञान के कारण तथाकथित भगवान की वशीभूत हो जाते हैं, जो केवल मुट्ठी भर ही शरण बना पाते हैं। किंतु ऐसा माना जाते हैं कि इस भौतिक जगत के उच्चतर लोकों में जम्बू नदी की तटों का कीचड़ जामुन की रस के साथ मिलकर सूर्य प्रकाश एवं वायु की प्रक्रिया के कारण प्रचुर मात्रा में स्वर्ण उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार यहाँ की स्त्री पुरुष विविध स्वर्ण भूषणों से अलंकृत होकर अत्यंत मनोहर लगते हैं। दुभोषी किसी के पास है किताब? दुर्भाग्यवश, अच्छा दुर्भाग्यवश पृथ्वी पर सोने की इतने कमी है कि विश्व की सरकारों इसी अपने कोष में रखकर कागजी मुद्रा चलाते हैं। चूंकि ये मुद्रा स्वर्णों पर आश्रित नहीं रहते, इसीलिए कागजी नोटों के रूप में वितरित धन व्यर्थ होते हैं। तो भी सांसारिक प्राणी भौतिक उत्पत्ति पर इतना
इत राते है, हिंदी ठीक है? इत, अच्छा मेरा भी पता नहीं चल रहा है क्या मैं बता रहा बहुत सारे कुछ मैं जिंदगी में पहला ही सुन रहा हूं तो भी अच्छा। आज के युग में कन्याएं तथा स्त्रियां सोने के बजाय प्लास्टिक के आभूषण धारण करती है, सोने की पात्रों की बजाय प्लास्टिक की बने पात्रों काम में लाए जाते हैं, किंतु फिर भी मनुष्य को अपनी संपत्ति पर अत्यधिक गर्व है। इसलिए इस युग को मनुष्य को मंद सुमंद मतय मंद भग्ग ही उपद्रता भागवत में इसे कहा गया है। तात्पर्य यह है कि ये श्री भगवान की ऐश्वर्य को न समझ पाने के कारण अत्यंत मंद एवं नीच है। उन्हें सुमंद मतय कहा गया है क्योंकि वह इतने मूर्ख है कि मुट्ठी भर सोना बनाने वाला धूर्त को ईश्वर मान बैठते हैं। पास में सोना न होने से वे अत्यंत दरिद्र होते हैं, इसलिए उन्हें अभागा जमाना जाते हैं। कभी कभी ये अभागे पुरुष भाग्यशाली स्थान प्राप्त करने के लिए स्वर्गलोक जाना चाहते हैं, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, किंतु भगवान के शुद्ध भक्तों की रुचि ऐसा ऐश्वर्य के प्रति रंज भर भी नहीं होते। दर आलस कभी कभी भक्तगण ठीक है, दर आलस है दर असल अच्छा, कभी कभी भक्तगण तो स्वर्ण की रंज की उपमा चमकीली कहा सुना ली, वो तो मैं बता ही नहीं अभी तक। उपमा चमकीलो सुना होली बिष्टा से देते हैं। अच्छा क्या बात है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्त को स्वर्ण आभूषण एवं मनोहरी रूप में अलंकृत स्त्रियों की द्वारा आकृष्ट न होने का उपदेश दिया है। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां व जगदीश कामये, भक्त को चाहिए कि ये न तो स्वर्ण से न सुंदर स्त्रियों से तथा न ही अनेक अनुगामियों के होने से आकृष्ट हो। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुप्त रूप से प्रार्थना की, मम जन्मानि जन्मानि सरे भवता भक्ति अहितु की तेरी, मेरी प्रभु मुझे अपने अहितु की भक्ति प्रदान करे, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। भक्त इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, यही उनकी एकमात्र कामना है। वही नंद तनुज किंकरं पतितां मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय। विनीत भक्त भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, कृपा करके अनेकानेक भौतिक ऐश्वर्य से पूर्ण इस भौतिक जगत से मुझे उबार कर अपने चरणारविंद की शरण में रख ले। श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, हाँ हाँ प्रभु नंद सुत विश्वभानु सुता जूत करुणा करो। एक बार नरोत्तम दास का ना ठेलियो रंगा पाए तुमा बिना के आछे हमार। हे प्रभु हे नंद महाराज की पुत्र, आप मेरी समक्ष वृषभानु की पुत्री श्रीमती राधा रानी रहित सहित खड़े हैं, मुझे अपनी चरण कमल की धूलि की रूप में स्वीकार करे, मुझे टुकराए नहीं, क्योंकि मेरी अन्य कोई आश्रय नहीं है। इसी प्रकार से प्रबोधानंद सरस्वती बताते हैं कि
स्वर्ण मुकुट तथा अन्य आभूषण से अलंकृत देवताओं की स्थिति आकाश कुसुम से अधिक नहीं है। त्रिदश पूर्व आकाश पुष्पायते, भक्त कभी भी ऐसा ऐश्वर्य से लालायित नहीं होते। यह तो मात्र भगवान की चरण कमल की धूल बनने की आकांक्षा रहती है। हरे कृष्ण। बहुत कष्ट करके मैं खत्म किया पढ़ाई। अरे श्रील प्रभुपाद की तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण एक दिन है, क्योंकि आज बहुत सारे आचार्य लोगों को तिरुभाव तिथि, जैसा धनंजय पंडित, जैसा गदाधर दास, गदाधर पंडित नहीं गदाधर दास, जैसे श्रीनिवास आचार्य, इन लोगों को तिरुभाव तिथि और गोपाष्टमी भी है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके वर्णन करूँगा। पहला श्लोक के ऊपर ये अध्याय की नाम जम्मूद्वीप की वर्णन। कुछ दिन पहले से हम देख रहे हैं हमारे भक्त लोग ये अध्याय के ऊपर पाठ प्रवचन चालू किया, और रोज रोज हम नया नया कुछ अद्भुत वर्णन सुनते हैं, है ना? जो हमारा बियॉन्ड और इमेजिनेशन, मतलब कल्पना की बाहर, कि ऐसा चीज हम कभी भी नहीं देखा। ऐसा ऐसा वर्णन आते हैं, ऐसा ऐसा वर्णन हम सुना कि हम जिंदगी में नहीं सुना, आंखों में जिंदगी में नहीं देखा, है ना? ब्रह्मांड में कहाँ पे क्या है, क्या नहीं है, क्या जरूरत है हमको? दाल चावल सब्जी रोटी मिल जाएगा, बस जिंदा रहो, खाओ पियो, मजा करो, बस इससे ही हम तुष्ट है। फिर इतना कुछ वर्णन करना क्या आवश्यक है? ऐसे ही हमारा किताब पढ़ाई करने के लिए इच्छा नहीं लगते है, फिर भी यहाँ पे इतना इतना डिफिकल्ट चीज वर्णन कर रहा है जो हमारे आंखों की बाहर है, हमको पता नहीं कि है नहीं। इस तरह है यहाँ पे जो वर्णन है, ये वर्णन का क्या उद्देश्य है, क्यों ऐसे वर्णन करते हैं? केवल ब्रह्मांड के बारे धारणा देना ही हमारा शास्त्र का उद्देश्य है? व्यासदेव भगवान जी की यही उद्देश्य है? ऐसा बहुत सारे जाइगेंटिक फॉर्म है, बिग बिग आकृति आकार है, ये वर्णन करने का क्या मतलब होता है? इसका कुछ मतलब है, यहाँ पे जो कुछ है ये ज्ञान है, नॉलेज, राइट? कि ब्रह्मांड के बारे कितना सारी इंफॉर्मेशन है, ये नॉलेज है ना? ये सारे नॉलेज का उद्देश्य क्या है? शास्त्र में बहुत ज्ञान है, बहुत विभाजन है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत इंफॉर्मेशन है, लेकिन सभी इंफॉर्मेशन सभी ज्ञान का उद्देश्य क्या है? जैसा मैं एक टेस्ट लेता हुआ अभी इसके माध्यम से पता चलेगा। जैसा मानो कि साधारणतः हम इंसान को बारे जानते हैं कि बस इंसान की हाइट इतना है, वेट कितना हो सकते मैक्सिमम एक व्यक्ति को, 100 किलो, 120 है? जैसे रोड में अगर किसी को देखोगे कि एक बच्चा है 4 साल का, और उसको उसको वेट होता है कि 120, ऐसा बॉडी, लेकिन ऐसे चल रहा है जस्ट लाइक ए फुटबॉल, ऐसा बच्चा हम जिंदगी में देखा कोई भी? ये हमारा सामने नया ना, इनके बारे सुना भी नहीं, देखने के बाद छोड़ दो। लेकिन ऐसे बच्चे को रोड में देखेंगे, देखने के बाद में, देखने के साथ साथ हमारा मन में क्या विचार आ सकते? देखता हूँ 2-4 व्यक्ति को विचार में सुनने के लिए चाहता हूँ, ये बैठ के थोड़ा डोजिंग करना नहीं, थोड़ा दिमाग काम में लगाओ। ऐसा बच्चा को आप लोग देखेंगे तो क्या विचार आएंगे? पहले हमारे गुरुकुल बताएंगे, ऐसा ही कौन सा ग्रह से आए ऐसा बच्चा बा, ओके,
कितना कष्ट होता है, कितना बीमारी। हाँ अच्छा, और क्या विचार? हाँ हाँ स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना चाहिए, और गुरुकुल के मुंह खुलता ही नहीं है। बताओ उधर में रहने वाला क्या विचार आएगा? बताओ इधर से। हाँ बोलो। अच्छा ये पापी पिछले जीवन के पापों के लिए ऐसा। हाँ ऐसा ना। मैं जैसा सोच रहा था वैसा ही जवाब मिल रहा था, मिल रहा है। ऐसा ही हमारा विचार आते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा विचार हमारे आते हैं जी ऐसा मोटा बच्चा कौन सा मामी पैदा किया? 4 साल में ऐसा बच्चा है, इतना बड़े है, बिग बॉडी है, इनको मामी कौन है, पिता कौन है? ऐसा विचार आते हैं? नहीं आते हैं। इसलिए जितना सारे नॉलेज है ना बेकार। इसी प्रकार ये ब्रह्मांड में जो अनंत वर्णन है, बहुत बहुत बड़ा बड़ा चीज है, इतनी लंबी लंबी 80 जन लंबी पेड़ है, आम जैसा हाथी की बराबर है, जामुन ऐसा होता है, गिर के नदी बन गया, लंबी नदी हो गया, वो रस से मिट्टी के साथ मिलके सूर्य के प्रकाश की और हवा के माध्यम से सोना बन रहा है। इतना बड़े बड़े चीज देख के, इसकी वर्णन सुन के हमारे आंखों से तो देखा ही नहीं जाएगा, तो इसको देखना है कैसे? इन द लाइट ऑफ स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों की प्रकाश के माध्यम से अभी हम देख पा रहा है। ये सब देख के हमारे मन में इसी प्रकार विचार आना चाहिए, इतने बड़े बड़े चीज कहां से आए, कौन व्यक्ति बनाया, इनके स्रोत क्या है, यही विचार चाहिए। जब तक ऐसा वर्णन सुन के इस स्रोत के बारे जानकारी होने के लिए हमारी इच्छा नहीं आते, इनके स्रोत के बारे हमको इच्छा नहीं आते सुनने के लिए, तब तक हमारा ये श्रवण इतना सार्थक नहीं होगा। तो ज्ञान ज्ञान ही रहेगा, ज्ञान के उद्देश्य क्या होता है? चैतन्य चरितामृत में ऐसे वर्णन होते हैं, सही से ज्ञानेर फल जानियो निश्चय, कृष्ण पद पद में यदि चित्त वृत्ति रहे। बहुत नॉलेज, बहुत वर्णन, बहुत नरेशन, ये सब सुन के, ये सब लर्निंग करके, अगर भगवान श्री कृष्ण के चरण में हमारा प्रेम भक्ति उदय नहीं होते है, भक्ति भाव नहीं आते, भगवान की बारे श्रवण कीर्तन करने के लिए, उनको पूजा करने के लिए, उनको सेवा करने के लिए अगर हमारे भाव नहीं आते, तो सभी ज्ञान बेकार है। ज्ञान ये प्रकाश की बराबर है, जो सही ज्ञान, शुद्ध ज्ञान है, जैसे भागवतम के ज्ञान, ये ज्ञान के माध्यम से ये प्रकाश हमको दिखा रहा है, देखो ये सभी चीज की स्रोत कौन है, नियंत्रक कौन है, स्रष्टा कौन है, ये तो सब सृष्टि है ना, सब सृष्टि है ना, तो सृष्टि की ऐसा ऐसा हो जाते हैं, सृष्टि है तो पीछे स्रष्टा है, चाहे हम देखते हैं कि नहीं देखते। तो स्रष्टा के बारे ज्ञान प्राप्त करना सभी ज्ञान की उद्देश्य है, सभी ज्ञान शास्त्र की सभी ज्ञान हमको वहां पे लीड कर रहा है, कहां पे? जहां पे भगवान श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण को जानकारी होना, ये जैसे देखो वेद, वेद शब्द का मतलब ही होता है ज्ञान। वेदों में ऐसा कोई ज्ञान नहीं कि वेदों में नहीं है। मेटेरियलिस्टिक नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, नॉलेज रिगार्डिंग ज्ञान, नॉलेज रिगार्डिंग कर्म, सब कुछ उसमें है। लेकिन इतना बड़े वेद, इतना सारे वर्णन, इतना सारे ज्ञान का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण को जानकारी होना। जो बड़े बड़े पंडित द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी वेद अध्ययन करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को जानते नहीं है, तो उनके वेद अध्ययन बेकार। लेकिन हमारा शांतनु कृष्ण प्रभु शायद वेद अध्ययन की बात छोड़ दो तो देखा भी नहीं है,
है कि नहीं? लेकिन वो जानते हैं कि नहीं? बताओ प्रभु जी भगवान कौन है? श्री कृष्ण। उनके पिता श्री के नाम क्या? नंद महाराज। मम्मी कौन? यशोदा माता। कहां रहते हैं? वृंदावन। जो जानते हैं ऐसा, चाहे वो वेद दर्शन भी नहीं कहेगा जिंदगी में, पढ़ाई की बात छोड़ जाओ, वही असली चतुर्वेदी। ये हमारा चतुर्वेदी त्रिवेदी सब बैठे। लेकिन वेद अध्ययन करके भगवान को जानते नहीं आए तो बेकार है। तो यहां पे ये जो है ना, इस कॉम्परेटिव डिस्कशन, ये वर्णन क्यों दिया? तो यहां पे ब्रह्मांड का जो वर्णन दे रहा है, इसमें क्या कर, हमको ऐसा भाव प्रदान कर रहा है ताकि हम भगवान के प्रति आसक्त हो जाए। जैसे जो व्यक्ति केवल उनके घर को देखा, जिंदगी में घर को बाहर नहीं गया, तो सोचते कि हमारा घर की बराबर कोई घर ही नहीं, इतना बड़ा है ना। लेकिन साइड में कोई घर को जब देखते हैं तब क्या लगता है, अरे इससे भी बड़े घर तो ये है। तो वो घर के प्रति आसक्ति बढ़ता है कि नहीं? इसी प्रकार और बहुत बड़े बिल्डिंग देखते हैं उसके प्रति आसक्ति बढ़ता है। इसी प्रकार हम एक छोटा क्षेत्र में हम जन्म लिया, जन्म हुआ, हम सोचते यही सब कुछ है, इसमें उज्जैन में जो कुछ है बस यही नहीं। दिल्ली बॉम्बे जाके देखो, अभी बहुत सारे अट्रैक्टिव चीज है। उससे आगे बढ़ो पूरा भारत, उससे आगे बढ़ो पूरा पृथ्वी, उससे आगे बढ़ो अलग अलग प्लैनेट्स, उससे आगे बढ़ो पूरा ब्रह्मांड के बारे वर्णन, उनके बारे ज्ञान प्राप्त होना, उसके आगे बढ़ना अनंत कोटि ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड कौन चलाते हैं? ब्रह्मा जी। इन लोग कहां से आए? जश्रई को निश्चित काल मथावलंब जीवंत लोम विलोजा विरोधन जगदंड नाथ, ऐसा वर्णन शास्त्र में आते। ये ब्रह्मा जी की वर्णन जब हम सुनते हैं, ब्रह्मांड की वर्णन जब सुनते हैं, तो हम बहुत एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत छोटा सा एक प्रकाश है, किसको? महाविष्णु की। और महाविष्णु कहां से आए हैं? ये तो भाया मीडियम वर्णन करूंगा तो बहुत टाइम चले जाएगा। भगवान श्री कृष्ण से आए। तो वो व्यक्ति कितना बड़े है अभी सोचो, उन्होंने जो रहते हैं वो कितना बड़े स्थान है, जो कुर्सी में बैठते हैं कितना बड़ा कुर्सी है, अभी सोचो, थोड़ा विचार करो। वहां पे बड़े बड़े नदी कितना हो सकती, किस प्रकार फल फूल वहां पे मिलता है, ऐसा वर्णन सुनते 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 जब उसी के प्रति हमारा आकृष्ट होते हैं। साधारणतः देखो छोटा एक चीज जैसे वो पॉकेट से ऐसा कुछ निकाल के दिखाएंगे ना, तो देख के हमारा अनुमान लगेगा शायद उसको पॉकेट में और कुछ है, और कुछ उसकी बात ऐसा ना। इसी प्रकार शास्त्र हमको वर्णन दे रहा है, गांव की बात सिटी, सिटी की बात देश, देश की बात पृथ्वी, पृथ्वी बात ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की बात अनंत कोटि ब्रह्मांड, उनकी स्रष्टा वगैरह वगैरह वगैरह। बेटा आपको खिसके खिसके कहां लेने के लिए चाहते हैं? वैकुंठ, वैकुंठ पति, वृंदावन, वृंदावन पति की। वहां पे जाके अगर आपको चमक लग जाएगा, बस मैं तुष्ट हूं, यहां पे मैं रहने के लिए चाहता हूं, तब आपके जीवन सार्थक बनेगा। यही शास्त्र की निर्देश होता है, जेनतन प्रकारेण, किसी भी तरीके से भगवान के प्रति हमारा भक्ति भाव आकर्षण बढ़ाने के लिए शास्त्र चाहते हैं, यही उद्देश्य होता है। तो ये छोटा एक ब्रह्मांड, ये जो वर्णन सुन रहे हो, ये सुन के आश्चर्यचकित, इतना मत हो और डिसाइड कर मत करो कि अरे मेरा जीवन सार्थक हो गया, कि पृथ्वी पर मेरा जन्म हो गया, इतना बड़ा ब्रह्मांड नहीं। ये छोटा एक कुटिया जैसा होता है, जिसकी वर्णन शास्त्र में अलग अलग ढंग से आता है, बोलते जेल खाना है। ये क्या है? जेल खाना। ये जेल खाना में रह के मानो कि ऑल ऑफ ए सडन कोई व्यक्ति अरेस्टेड हो जाओगे, जेल खाना में डाल देगा कि खुश हो जाओगे, थैंक यू पुलिस मैन, मैं तो तड़प रहा था, यहाँ पे देखा खाना बना का कोई अभाव ही नहीं, थैंक यू। तो क्या दो दो सूखा सूखा रोटी देते हो, थोड़ा आचार की साथ थोड़ा डाल बापला का व्यवस्था तो करो, क्या ऐसा करोगे? अप्लाई करोगे? ऐसा लंबा एक लिस्ट बनाओगे? अरे मुझे एसी नहीं मिलता है, चाय आते नहीं है, अखबार आते नहीं है, ये मैं चाहता हूँ, बस ऐसा कोई व्यक्ति आवेदन करेंगे?
वहां पे जेलखाना में जाके मेरा फैसिलिटीज इतना नहीं मिल रहा है, क्यों फैसिलिटेशन बढ़ाओ, ऐसे कोई व्यक्ति बताएंगे? पक्का जय नेताई, जेलखाना में बैठ के कोई व्यक्ति फैसिलिटीज और बढ़ाने के लिए कि पुलिस को बस अप्लाई करेंगे? आप लोग नहीं करेंगे? मैं तो देखता हूं कर रहे हो आप लोग, सच बात बताओ, झूठ नहीं बोलना। अप्लाई सब व्यक्ति ये संसार में सभी व्यक्ति वही फैसिलिटीज प्राप्त करने के लिए अप्लाई कर रहा है, किसके पास? देव देवी इत्यादि सभी को पास। कौन सा? ये तो जेल खाना है ना, दुनिया जेल खाना है। अभी हम बैठ के बैठ के प्रार्थना कर रहा है हमारा एक बड़ा मकान हो जाएगा, तो छोटा मकान में रहते रहते अच्छा नहीं लगते, शर्म आते है। मैं इतना प्रेस्टिजियस आदमी हूँ, अगर देखेगा अरे तू वो कुटिया से निकल रहे, तो हम प्रार्थना करते हैं बड़ा कुछ होना चाहिए, बड़े मकान, बड़े गाड़ी, बहुत सैलरी, अच्छे कपड़े, अच्छे सब चाहते हैं कि नहीं? अरे हजारों मंदिर है देव देवी की संसार में, उज्जैन में भी कमाई नहीं है। वहां पे जाके हम हाथ जोड़ के कान खींचते हैं, नाक खींचते हैं, किसके लिए? ध्यान तो रखो थोड़ा, मैं जो रोज आके बताता हूँ, जब मिलना चाहिए। ये क्या होता है, जेलखाना में बैठ के कैदी जैसा पुलिस के पास फैसिलिटेशन के लिए अप्लाई करते हैं, इसी की बराबर है। ये कोई बुद्धिमानी बात नहीं है, ये बुद्धिमानी बात नहीं। तो बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वो है कि शास्त्र के आधार पर जो जानकारी हो जाते हैं कि ये एक दुकानालय है, ये जेलखाना है, यहां पर मैं नहीं रहूंगा। जो बुद्धिमान कैदी है ना, वो क्या चाहते, मुझे यहाँ पे कुछ भी मेला कोई बात नहीं, इसके बोलते मेरा कोई ध्यान देना कोई जरूरत नहीं, कृपया आप लोग मुझे तुरंत यहां से मुक्त कर दीजिए। वो बाहर आने के लिए चाहते हैं, जहां पे उनके मम्मी पापा पत्नी वेट कर रहा है, बच्चा लोग रो रहा है, विशेष करके मम्मी पापा बहुत कंसर्न हो जाते हैं, मेरे बच्चे कब आएगा। इसी प्रकार जो भक्त है वो बुद्धिमान होता है, ये संसार में क्या मिला क्या नहीं मिला, इसमें क्या चमत्कारिता है, क्या अद्भुत अद्भुत चीज है, इसके बारे में उसके कोई आसक्ति आकर्षण नहीं है, वो यहाँ से तुरंत निकल निकल चाहते हैं, जहाँ पे हमारे परम पिता कृष्ण भगवान हमको लिए प्रतीक्षा कर रहा है, हमको लिए बहुत दुर्भावना चिंतन कर रहा है। ये होता है बुद्धिमान। तो ये तो हमारे दिमाग में और दिल में आते ही नहीं है ये भाव, इसीलिए मम्मी जैसे बच्चा को हाथ अंगुली पकड़ के दिखाते हैं कि ऐसा ऑल लेग बेटा। हाँ, आप लोग कैसे सीखा? बच्चे को पेन पकड़ के मम्मी एक ही साथ, दोनों हाथ बच्चे को हाथ और दोनों हाथ मिला के लिख हाँ ऐसा लेग, कितना बार बता ऐसा नहीं। राइट। तो ये जो भाव हमारा हमारा ये विशेष करके मनुष्य को होना चाहिए संसार में, लेकिन हमारे हृदय में भाव आते नहीं है। तो हमारे मम्मी कौन है बताओ, कौन जोर से? भगवान। कौन सा भगवान? नाम बताओ। कृष्ण को इतना टाइम नहीं है कि आपको हाथ पकड़ के जब बताएंगे। श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम पतित पवन गौर निताई की। ये कृष्ण नहीं, कलयुग में जो मॉडर्न कृष्ण वो कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। वो मम्मी की दरोद लेके, प्रेम लेके हमारे पास आए और हाथों से हाथ पकड़ के शिक्षा दे रहा है, ऐसा नाम जपो, ऐसा श्रवण करो। गदाधर पंडित के पास जाके उन्होंने सुनते थे, उन्हीं के बारे में उन्होंने सुनते थे। क्यों उनके बारे में उन्होंने बैठ के सुनते थे? उन्होंने तो प्रवचन दे सकते थे, क्योंकि वो शिक्षा दे रहा था कि मेरा बच्चा मुझे देख के सीखे कि सुनना चाहिए। उन्होंने उनके नाम ही कीर्तन कर रहे थे, स्ट्रीट संकीर्तन। क्यों? ताकि बच्चा लोग जैसे हम जैसे अनपढ़ है, यहां मुझे देख के शिक्षा प्राप्त करे कि हमको भी ऐसा करना चाहिए। ये मम्मी की प्यार है, द साइन ऑफ मदरली लव, ऐसा हम देखते हैं। तो इसी प्रकार भगवान के पास किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए, किस प्रकार अप्लाई करना चाहिए, वो भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको शिक्षा देके गया। कौन सा श्लोक बताओ? यही तात्पर्य में है क्या?
न धनं न जनं न सुंदरीं कवितांबा जगदीश कामयी मम जन्मनि जन्मनिश्वरे भवताद् भक्तिर् अहोइतु कि तई। ये एप्लीकेशन एप्लीकेशन में लिखा है, ये संसार में जेल में बैठ के मैं धन नहीं चाहता हूँ, स्त्रियां नहीं चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं इसको नहीं चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ। देखो ये पूरा उल्टा गुरु महाराज ने बोलते हैं ना, श्री श्रीमद भक्ति स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं, संसार में जो मूर्ख है, जो कैदी मूर्ख है, वो क्या बताता है, धनंग देही जनंग देही दिस एंड दैट देही। लेकिन जो बुद्धिमान होता है, नहीं मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मुझे यहां से आपको चरण प्राप्त करने के लिए मुका दीजिए, मैं वही केवल चाहता हूं। मम जन्मोनि जन्मोनिश्वरे भवतात् भक्ति रहोई तुकी तोई, केवल यही मैं चाहता हूं कि मुझे बार बार जन्म लेना भी जरूरत पड़ता है, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं तैयार हूं, लेकिन हर जन्म में आपकी सेवा करने के लिए, आप तो भक्त संगति करने के लिए, आपकी प्रेम प्राप्त करने के लिए मुझे मौका दीजिए प्रभु जी, यही मैं चाहता हूं। ये होता है इस श्लोक की शिक्षा। आज इस श्लोक से हमको इसे शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, वैराग्य भाव अर्थात संसार के प्रति आसक्ति बढ़ाना नहीं चाहिए। जो कुछ हमको मिला ये भगवान की संपदा के रूप से, इनकी मालिक होना नहीं है, ऐसा विचार करके खुद को एक सिंपली एक क्या टकर विचार करके उन्हीं की सेवा में सब कुछ लगाना चाहिए। और कौन सा धन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करना चाहिए, भक्ति धन, भक्ति कृष्ण, भक्ति कृष्ण प्रेम, केवल इसी के लिए प्रार्थना करना चाहिए। इस चैतन्य महाप्रभु की कोट उल्लेख पूर्वक शिला प्रभुपाद के तात्पर्य में इसे वर्णन किया। ये संसार में कोई चमत्कारी का देख के चमत्कारी मत है ये, क्यों, क्योंकि शास्त्र में इसे वर्णन आते हैं, ये भौतिक संसार होता है भगवान की एक पाद विभूति, क्या एक पाद विभूति, और तीन पाद विभूति कहां है, आध्यात्मिक संसार में है। तो एक पाद विभूति ये भी भगवान का कौन सा शक्ति के प्रकाश, एक्सटर्नल एनर्जी, ये बहिरंग शक्ति के प्रकाश। एक पद विभूति, विभूति मतलब विभूति शब्द का मतलब भगवान की एक ऐश्वर्य, एकांश ऐश्वर्य प्रकाश किया, केवल 1% मानो। तो यहां पे इतना चमत्कारिता होता है, लेकिन जहां पे इससे 3 गुना ज्यादा है विस्तार चमत्कारिता, वहां पे क्या क्या हो सकते बताओ। इसलिए शास्त्र सुनना चाहिए वैष्णव की मुंह से, प्रभुपाद जी के कहता है पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि नॉलेज नहीं रहेगा तो हमारे लालसा कैसे आएगा। ऐसा वर्णन जब सुनूंगा तभी तो हमारे मन की भाव आएगा, तो दूध बेकार में यहां पे टाइम नष्ट कर रहा है बैठ के मुझे वहां पे जाना है कि नहीं। वास्तव में हमारा संसार में कोई प्रगति नहीं हो रहा है। मैं कभी कभी प्रचार करने के लिए बाहर में जाता हूं तो शिक्षित माहौल, जैसे टीचर्स है वगैरह, इंजीनियर लोग हैं, तो मैं उन लोग कैसे पहला मैं प्रवचन स्टार्ट करने के पहले प्रश्न पूछता हूँ कि हमारा देश में क्या, दुनिया में क्या कोई प्रगति हुआ आपका विचार से? बोलते हैं हाँ बहुत हुआ। वो कैसे हैं? बोलते हैं मेरा बाप मेरा दादा हुक्का पीते थे फुड़ फुड़ करके, और हम सिगरेट फूक रहा है, कितना प्रगति हो गया। वो हुक्का पीने के लिए किधर टबाको है वगैरह वगैरह, बहुत झमेला था। अच्छा रेडीमेड हम इसके अंदर लेके घूमते हैं तो कितना प्रगति हो गया। फिर रोड कितने चौड़े चौड़े हैं और आसमान से हम चढ़ते हैं, है ना, शिक्षित हो गया कितना, ऐसा बोलता है प्रगति बोलते हैं। मैं ही बताया कि वास्तव में प्रगति है क्या, बोलते हाँ यही तो प्रगति। तो मैं उनको एनालॉजी के माध्यम से समझाया, मानो कि तो आपका एक बेटा पैदा हुआ मूर्ख नंबर 1, लेकिन उसको अच्छा 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 कपड़ा पहना देंगे, 5,000-10,000 रुपया के जूता खरीद करके पहना दो, ऐसे सोना का घोड़ी पहना दो,
बाल लंबी लंबी रखो, चाय पिलाओ, ये देख के आपको मन में क्या विचार आएगा, मेरा बच्चे का प्रगति हुआ, ऐसा लग रहा है? आप बताएंगे? बोलते नहीं प्रभु जी। क्यों? बोलते वो तो मूर्ख है। क्यों? बोलते तो अंदर की बात, क्योंकि बाहर आप जितना भी कुछ डालेंगे लेकिन अंदर मतलब उनकी मनभाव अगर ग्रो नहीं करेगा, उनकी मानसिक विकास अगर नहीं होते हैं, उनकी इंटरनल क्वालिटी अगर डेवलप नहीं होता है, तो वास्तव में इतना कुछ सामान देने के बाद भी वो बच्चे को कोई प्रगति नहीं हुआ, ऐसा ही मानना चाहिए। इसी प्रकार ये संसार में रहने वाले जो जीव इंसान विशेष करके, उनकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी बांधा है आजकल किसी को? ह्यूमैनिटी है किसी के अंदर? तो एनिमलिटी दिखाई दे रहा है कि नहीं? एक व्यक्ति केवल एक सिगरेट के लिए, एक पैसे के लिए एक दूसरे को मार डाल रहा है, तो यही सब मोरालिटी कुछ है ही नहीं किसी के अंदर। तो केवल अच्छा अच्छे घर में रहते हैं, बड़े बड़े गाड़ी में चलते हैं, अच्छा अच्छे पोशाक पहनते हैं, इससे कोई प्रगति होता है? ये कोई प्रगति की बात नहीं। अतः ये मॉडर्निटी तथा मॉडर्न साइंटिफिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति भी हमारा इतना आकर्षण बढ़ाना उचित नहीं है। असल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ए है, ये हमारा शास्त्र भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए जो टेक्निक्स है, ये होता है साइंटिफिक नॉलेज। इसी के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ाना चाहिए। ये संसार में जब जैसे प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन किया, क्या ना, जब पहला जमाना में कोई राजा ब्राह्मण लोग को बुलाते थे, इनवाइट करते थे, उन लोग जजन जजन पठन पठन करते थे, यज्ञ करते थे, बाद में ब्राह्मण को भोजन कराना है, एंड भोजन करने के टाइम प्लेट देते थे सोना की प्लेट, कौन सा प्लेट, और बल देते थे बस ये यूज एंड थ्रो, ये क्या है? तो ब्राह्मण लोग है ना, ये कलयुग कई ब्राह्मण शुरू शुरू में, तो क्या ये फेंकने, यूज एंड थ्रो, ब्राह्मण लोग सोचते थे ये सोना की थाली फेंक दूंगा, तो उनको इच्छा था कि ये जो बैग लेकर है ना उसके अंदर डाल दूंगा खाने के बाद, अरे सफाई करने की जरूरत है, डाल दो। लेकिन वो राजा को पता चलते थे इनको इच्छा लग रहा है प्लेट लेने के लिए, तो उन्होंने बताते थे देखो ये लेना कोई आवश्यक नहीं, ठीक से भोजन करो, वो बाद में ऐसा मानो इसकी बराबर इतना एकदम पाइल अप, इतना बड़े एक पीस गोल्ड होगा तो कितना किलो होगा, कितना क्विंटल, तो बोलता है ना ये आपके लिए है। तो ब्राह्मण लोग सोचते थे अरे वाह क्या ये मुझे लिए है, ये तो मैं उठा के नहीं ले पाऊंगा, तो यही मुझे देंगे तो प्लेट लेने की जरूरत है, फेंक देते थे। समझ में आ गया? ऐसा उसी के टाइम स्थिति थे, आदमी सोना की प्लेट में खाते थे और यूज एंड थ्रो के रूप से फेंकते थे। आज हम कौन सा प्लेट यूज एंड थ्रो? सोचो यही होता है हमारा प्रगति, यही हमारा प्रगति। प्लास्टिक ऑर्नामेंट्स यूज कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, इमिटेशन। 10 रुपये से गोल्ड की चेन मिल रहा है ये बॉस में, है कि नहीं? ऐसा नकली की टाइम चल रहा है। क्यों ऐसा नकलीपन आ गया? क्योंकि भगवान को कोई व्यक्ति जानते नहीं, भगवान के मार्ग पर कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान नहीं तो नकलीपन आएगा। जहां कृष्ण तहां नए माया अधिकार, उसके मतलब जहां पे कृष्ण नहीं, कृष्ण भक्ति नहीं, कृष्ण की सेवा नहीं, वो माया आएगा, माया अंधेरा जैसा, वहां पे लाइफ बहुत चीप बन जाएगा जैसा आजकल हो रहा है। तो इसी के प्रति हमारा काफी क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए। इस संसार की साधारण चीज के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ाना नहीं चाहिए। असल चमत्कारिता भगवत धाम पे है, ठीक है? हरे कृष्ण। तो आज होता है गोपाष्टमी, मैं जस्ट दो दो लाइन करके बता दूंगा क्या आप, उसमें लिखा है आज कौन सा डेट,
समाज में नहीं रहा है कौन सा, ताज कोई आचार्य का ये सब क्या देखा उधर, कुछ नहीं। ओके ठीक है, नहीं तो जिन्होंने उनके जो क्लास है वही बताएगा एडवांस क्या हाँ है। नहीं इसकी वन ओनली में कंटिन्यू कर सकते, क्या ताज कौन सा ऐसा वो भूल प्रिंट है, गलती है क्या, लेकिन मैं ही गलती देखा। ओके कुछ भी हो तो मैं किसके बारे बताऊं, गोपाष्टमी वही बताएगा। गोपाष्टमी होता है ऐसा एक दिन जो दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की गाय चढ़ने से चढ़ने के लिए मौका मिला था, इतना दिन लोग बसरा चलाते थे, लेकिन आज ही ऐसा डेट है, सॉरी वो आएगा, उसी दिन उन लोग को मौका मिला था कि अभी से आज तुम लोग बसला की परिवर्तन गायों को चढ़ाओ, ऐसा इसी दिन। तो ये बच्चों को थोड़ा बहुत जब प्रगति होता है तो मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं, है ना, जैसा कोई बच्चा लोग पहला दिन अगर मम्मी बता दिया बस मम्मी लोग उसी दिन उपास करते हैं, क्या बेरा कर मम्मी है, और तुरंत एकदम मोबाइल रिकॉर्डिंग, फिर बताओ बेटा क्या कहा क्या तो इतना आनंद आ जाते है कि नहीं। उसी प्रकार बच्चों जो दिन पहला सॉलिड खाना चालू करते हैं अन्नप्राशन तो बहुत आनंद आते हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण भी बाल लीला में इस छोटा बच्चा संसार की बच्चा जैसा व्यवहार करते हैं उसे उन्होंने भी वैसा ऐसे कर रहे थे। उनके उद्देश्य था भक्त का आनंद दान करना, जैसा पिता माता का आनंद दान करेंगे और भविष्य में जो हमारे लीला सुनेंगे वो भी बहुत आनंद प्राप्त करेंगे, देव देवी लोग दर्शन कर रहे थे उनको भी आनंद मिलेगा, ये आनंद देना ही उनका काम होता है, क्योंकि उनको बस दुख है ही नहीं, जिसके पास जो चीज़ आए वही दोस्तों को देता है कि नहीं, हमारा अंदर बहुत प्रॉब्लम है इसलिए हम दोस्तों को भी प्रॉब्लम में डाल देते, हमारा अंदर जहर है तो अंदर से वो निकलता है, जब बात बोलते हैं तभी जहर निकलते हैं, जब काम करते हैं तभी जहर निकलते हैं, अच्छा भाव नहीं है। लेकिन कृष्ण उसी प्रकार नहीं, कृष्ण के अंदर तो दुख ही है ही नहीं, कृष्ण के अंदर है क्या आनंद, इसलिए उनको सच्चिदानंद। दुख के बारे में उनका कोई नाम है क्या, दुख को हारिनी है, और किसी की भी दुख भाई वो हरण कर लेते हैं, ये उनकी शक्ति उनके प्रभाव होते हैं। तो भगवान के अंदर आनंद है तो आनंद में वो हमेशा डूब के रहते हैं, और भगवान स्वार्थी नहीं है, सेल्फिश, सेल्फिश को क्या बोलता है, स्वार्थ नहीं, ऐसा नहीं कि हाँ मैं ही मजा में हूं तुम लोग डूबो तक कैसे लगते हैं, ऐसा नहीं, भगवान खुद आनंद में रहते हैं और दूसरों को भी आनंद के सागर में डूबाने के लिए चाहते हैं, इसी के लिए उन्होंने लीला विलास करते हैं। तो ये लीला के माध्यम से भक्त को आनंद देने के लिए उन्हें चाह रहे हैं। तो मम्मी पापा विशेष करके नंद महाराज इतना प्रसन्न हो गया, ये मुहूर्त और ये जो प्रमोशन है इसको मतलब ठीक से प्रचार करने के लिए न्यूज सबको पास प्रिंट करने के लिए उन्होंने एक उत्सव के आयोजन किया था, उत्सव में सभी को इनवाइट किया, बहुत सारे रसोई हुआ, कीर्तन हुआ, नृत्य हुआ, बजना बजाया, ये कुल मिला के वृंदावन की भक्त लोग ऐसे बहुत आनंद किया था, ये थोड़ा सा प्रमोशन के लिए। तो वही तिथि गोपाष्टमी होते हैं। अच्छा वो दिन में राधा रानी की चरण दिखाते हैं, हाँ तो राधा रानी देखा कि मैं ही बैठ के क्या करूँ घर पे, मुझे भी कुछ करना चाहिए आनंद से। विशेष उत्सव के दिन में कभी कभी हम सोशल एटिकेट भूल जाते हैं, है कि नहीं, जैसे देखो माता जी लोग को हम साधारण तो देखते हैं कि घर के अंदर में इतना सारे लंबी कपड़ा लगा के बैठ के रहते हैं,
इसे क्या बोलते हैं? घूंघट, घूंघट लगाता है, लगता है कि आसमान जमीन कुछ जानते ही नहीं है, हाँ? कुछ जानते नहीं, यही से ना। लेकिन अगर किसी की शादी जो दिन होते हैं तो वही माताजी घर से बाहर रोड में चले जाएगा और सलंग लगा के नाचना चालू करते हैं। दिन चल रहा है कि रात चल रहा है किसी को पता ही नहीं, सामने कौन है, सीनियर है कि जूनियर है, ससुर है कि ससुरी है, कोई अरे नाचो नाचो। उत्सव के टाइम ऐसा आते हैं। ये भाव हम वृंदावन में भी देखा, राधा रानी गोपिया लोग जब सुना कि नंद महाराज ऐसा उत्सव के आयोजन किया, सब गा रहा है, नाच रहा है, खाना खा रहा है, तो जो गोपिया लोग हैं उन लोग भी सोचने लगे तो हम क्यों बैठ के घर पे रहूंगा, हमको भी कुछ करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण की ये उपलक्ष में उन लोग भी बाहर आए थे, हम भी गौशाला में जाऊंगा, हम भी गौ माता के लिए कुछ करूंगा, क्योंकि राधा रानी गोपिया लोग जानते थे कि कृष्ण जी को गौ माता बहुत प्रिय है ना। राधा रानी कौन होता है? श्री कृष्ण जी की इटांडल कॉन्सर्ट, राइट। तो ये जो शक्ति, हमेशा शक्तिमान को फॉलो करते हैं, शक्ति को कभी भी अलग से कुछ विचार नहीं करना चाहिए, तो खतरनाक शक्ति है मानव। शक्ति हमेशा शक्तिमान को सपोर्ट करना चाहिए, शक्तिमान से मान को जिससे आनंद होगा वही करना चाहिए। तो राधा रानी शक्ति और कृष्ण शक्तिमान, तो उन्होंने जब देखा मेरा जब प्रभु, उन्होंने गाय माता को साथ आज बाहर जाएंगे, गाय माता को बहुत प्यार करते हैं, गाय माता को बहुत सेवा करते हैं। संसार में भगवान जितना दिन लीला विलास किया था वो टाइम उसके काफी से काफी टाइम उन्होंने गाय माता के साथ बिताया, गाय माता की गोद पर सो गया, गाय माता की उसको बांट क्या बोलता है उसको डायरेक्टली दूध पिया, उन्होंने गाय माता को पकड़ लिया, ऐसा गाय माता को सेवा किया, निलाया खिलाया, ऐसा तो मम्मी जैसा है। ऐसे कृष्ण एक दिन ऐसे सो गया गाय माता की गोद पर, ये गाय माता को पिला बना के पिलो पिलो को क्या बोलता है, हाँ ओहा तकिया बना के सो गया, और सब गाय माता भी साइड में आके सो गया। तो कोई व्यक्ति मसाज कर रहे, कोई गाय माता कैसे हाथ किधर है, हाथों से ना मुंह से ऐसा लिकिंग कर रहा है पेड़ को। तो कृष्ण जी भगवान को बहुत अच्छा लग रहा है, यही से लीला विलास भगवान के सत्कार थे। तो जो दिन राधा रानी और उनकी असिस्टेंट लोग देखा कि आज विशेष दिन है कि हमारे प्रभु जी की प्रमोशन मिला हो, गाय माता को चढ़ाएंगे, वो भी बहुत आज बहुत तत्पर हो गया, इसके लिए उत्सव हो रहा है, तो हमको भी इसको करना चाहिए। तो उसी दिन भी है ना वो सोशल एटिकेट भूल गया कि हम लड़के लोग हैं थोड़ा अंदर रहना चाहिए, नहीं नहीं है हमारा काम झाड़ू लगाना, पूछा लगाना, रसोई करना, नहीं उन लोग भी पुरुष जैसा गाय माता को सेवा करते हैं, वो उन लोग भी आ गया, गाय माता के पास जाएंगे, फिर निलाएंगे, फिर उनको खिलाएंगे, फिर गौशाला को सफाई करेंगे, ऐसा ना। तो इसी प्रकार जब काम करते हैं तो कैसे करना है, जींस पैंट के होगा, जींस पैंट के काम होगा, और माता जी लोग तो साधारणतः बहुत लंबी कपड़ा पहनते हैं, 12 हाथ लंबी कपड़ा फिर भी होता नहीं है, मिट्टी के साथ ऐसे ऐसे चलते रहते हैं ना। तो वो ऐसा ढंग से अगर गौशाला में जाएगा कोई सेवा कर पाएंगी, तो क्या करना पड़ता है उसी दिन गौशाला में कैसे सेवा होता है एक दिन जाके देखना हमारे गौशाला हेड जोगेश प्रभु को। यहाँ पे हमारा मंदिर में हमारा जोगेश प्रभु जब आते हैं तो महावैष्णव गुरु महाराज हमारे जो स्टैंडर्ड है इस्कॉन की जो स्टैंडर्ड होता है प्रचार संस्था की स्टैंडर्ड देखो भाव चकाचक। उधर में जब जाएंगे ना तो आपको आंखों से चश्मा निकल के देखना पड़ेगा, ये क्या जोगेश प्रभु है क्या, क्योंकि मंदिर में एक रूप उधर में दूसरा रूप, उधर में गामसा पहन के इतना जूता पहन के, क्योंकि लोहा है उसमें किला है घुस जा सकते, गौ माता को सेवा कर रहा है, कपड़ा गीला हो जा रहा है और कपड़ा शॉर्ट करके पहनते हैं, नहीं तो सेवा ठीक से नहीं होता है। इसी प्रकार राधा रानी जिसे विशेष करके लड़की और माता जी लोग को कपड़े लंबा रहते हैं ना,
तो उसी दिन आज के मतलब गोपाष्टमी के दिन उन लोग कपड़ा थोड़ा ऊंचा करके पहनते हैं ताकि काम में ठीक से कर पाऊंगा। इसीलिए उन्होंने तो उसके लिए पहना, और संसार के सब शुद्ध भक्त लोग ताली बजाने लगा, क्या बात है। जिसकी श्रीचरण जगिया लोग ऋषिया लोग करोड़ करोड़ साल तपस्या करके जन्मों जन्मांतर से प्रयत्न करके भी दर्शन प्राप्त तो नहीं कर पाते हैं, और उनके विशेष कृपा के लिए आज हमको सभी को दर्शन मिल रहा है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि राधारानी की चरण श्रीचरण किसी के दर्शन करने के लिए भाग्य मिलता, सौभाग्य मिलता नहीं है, कभी भी दर्शन देते भी नहीं है। उन्होंने हमेशा ऐसे लंबी करके कपड़ा ऐसा पहनते हैं, देखो वो देखो। लेकिन इसी दिन जब भगवान को सेवा में उन्होंने जब भाग लेते हैं, भगवान के साथ उन्होंने सेवा करना चालू कर देते हैं, तो उनको ध्यान नहीं रहते, तो कपड़ा उठा लिया और चरण के दर्शन मिल गया। तो 8 तारीख ऐसा हमको सौभाग्य मिलेगा श्री राधारानी की चरण पद्म को दर्शन करने के लिए। तो इसीलिए गोपाष्टमी कहते हैं, वो अष्टमी तिथि में हुआ था, अष्टमी तिथि कार्तिक महीना शुक्ला पक्ष अष्टमी तिथि में ऐसा हुआ था, जिसको नाम गोपाष्टमी। तो वो दिन आएगा, हम भी राधारानी की चरण कमल दर्शन करूँगा, प्रतीक्षा करना है उनके चरण को सेवा करने के लिए, दर्शन करने के लिए, हाँ उसके बाद हम स्वीट राइस खाऊंगा। इस तरह होता है। तो लगता है यहाँ तक ही रहे आज। हरे कृष्ण। किसी की क्वेश्चन है? धनम जनम वगैरह कुछ सुंदरता वगैरह उसकी ज्यादा वाहवाह होती है, उसकी ज्यादा उस व्यक्ति की ज्यादा वाहवाह होती है। वाहवाह क्या? तारीफ प्रशंसा जिसको बस है। हाँ, जो प्रशंसा है, माता जी ने कहा कि महाप्रभु ने इसे हमको शिक्षा दिया है, धनंग जनंग नहीं चाहिए। लेकिन जिसको बस है संसार में, हम तो देखते हैं उनको ही सभी व्यक्ति तारीफ करते हैं, उनको देख के ताली बजाता है, ये क्या है। और हम ऐसे साधारण रूप से रहूंगा, हमको तो कोई पत्ता ही नहीं देगा। देखो कौन व्यक्ति हमको पत्ता दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तारीफ कर रहा है कि निंदन कर रहा है संसार की, उससे भक्त को कुछ फर्क नहीं पड़ते है। जैसा मानो कि संसार की समाज की सभी व्यक्ति आपको तारीफ करेंगे, लेकिन गुरु महाराज आपको पर प्रसन्न रहेंगे, वो तारीफ से आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? लेकिन सभी व्यक्ति आपको देख के थू फेंक रहा है, थू किस तरह आदमी होता है। लेकिन वैष्णव जो होता है, कृष्ण भक्त होता है, कृष्ण आपको स्थान देंगे, आओ बैठो, ऐसा करो ऐसा करो, आपको कैसे लगेगा? तो बाहर के आदमी तारीफ करेगा कि थू फेंकेगा किसी के ऊपर, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है कि जो वैष्णव ठाकुर है वो मुझे कैसे विचार कर रहा है, उन्होंने मुझे प्यार कर रहा है, सम्मान मतलब सेवा में क्या बोल ऐसा स्थान दे रहा है। तो ये हमारा सबसे गर्व की बात होता है, ये सबसे आनंद की बात होता है। तो ये बाहर के विचार जैसे एक मूर्ख दूसरे मूर्ख को तारीफ कर रहा है, वो जानते नहीं है। तो हमको बुद्धिमान होना चाहिए। जैसे कभी कभी आप लोग वृंदावन में जब जाएंगे तब पता चलेगा, जैसे आप रोड से जा रहे हो ना, तो बांदर देख के हमको देखते ऐसे ऐसे करते, देखा कितना मस्करा करते। तो आप लोग क्या कोई सोचोगे, अरे तू बांदरों के तू मेरे साथ मस्करा कर रहा है, मैं मनुष्य के नहीं करूंगा, मैं तो सर्वश्रेष्ठ जीव हूं, रुक तू, ऐसे करेंगे नहीं। हम जानते हैं कि बांदर के काम ही करना है, उसको ध्यान नहीं देना चाहिए, आप सीधे चलो। यू आर जेंटलमैन, व्हाई यू आर लुकिंग एट द मंकी? दिस इज द नेचुरल टेंडेंसी टू मॉक एट। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति उससे बिविल्डर्ड नहीं होता है। सिमिलरली मोस्ट ऑफ द पीपुल ऑफ दिस नेचर इज लाइक डैश, ये होता है बात।
गुरु वैष्णव भगवान हमको कैसे विचार कर रहा है वो विचार करना चाहिए। और किसी को? जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, नितय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।